हरियाणा सरकार हिसार जिले के 40 स्कूलों में विज्ञान संकाय को कम छात्रों के चलते बंद करने जा रही है, जिसको लेकर हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन की हिसार जिला इकाई ने जिला उपायुक्त हिसार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। एसोसिएशन के अनुसार हरियाणा सरकार 429 सरकारी स्कूलों में विज्ञान संकाय को बंद करने जा रही है, जिसमें 40 स्कूल हिसार जिले के हैं। वहीं एसोसिएशन के अनुसार प्रस्तावित ट्रांसफर पॉलिसी में भी बहुत विसंगतियां हैं, जिनको दूर नहीं करके ट्रांसफर ड्राइव के मनमाने ढंग से प्राध्यापकों का तबादला किया जा रहा है। हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के जिला प्रधान दलबीर पंघाल ने बताया कि हरियाणा सरकार ने नए सत्र के बीच में केवल छात्र संख्या के आधार पर बिना किसी पूर्व सूचना के विज्ञान संकाय को बंद करने का निर्णय लिया है। यह पूर्ण रूप से राज्य के भविष्य पर कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि इन स्कूलों में विज्ञान संकाय के लिए भौतिक रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान की प्रयोगशाला पर भारी भरकम खर्च किया जा चुका है। इतना ही नहीं, सत्र के बीच में विज्ञान संकाय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को दूर दराज के स्कूलों में पढ़ने के लिए बाध्य होना पड़ेगा या विज्ञान संकाय को छोड़ना होगा। यह उन विद्यार्थियों एवं अभिभावकों के लिए एक धोखा है जिन्होंने विज्ञान संकाय चुनकर स्वर्णिम भविष्य के सपने संजोए थे। दलबीर पंघाल ने बताया कि उनकी मांग है कि ट्रांसफर करने से पहले कैप्ट वैकेंसी खोली जाए, छात्र संख्या 31 जुलाई 2019 के आधार पर हो। वहीं तबादला प्रक्रिया में 31 मार्च 2019 को जिन अध्यापकों को 5 वर्ष होते हैं उनकी ही ट्रांसफर की जाए। दलबीर पंघाल ने कहा कि किसी भी प्राध्यापक को सरप्लस ना किया जाए। बीर पंघाल ने कहा कि एसोसिएशन ने उनकी मांगों को लेकर एक हफ्ते का समय निर्धारित किया है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो एक हफ्ते के बाद वह आगामी रणनीति तैयार करेंगे। सर अपना नाम और डेस्क। मैं दलबीर पंघाल, जिला प्रधान, हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन हिसार। जी, आज का जो प्रदर्शन है किस बात को लेकर है और क्या मांग है? आज का जो प्रदर्शन है, मेन प्रदर्शन साइंस फैकल्टी को लेकर है। पूरे हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने और शिक्षा विभाग ने 429 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों से साइंस फैकल्टी उठा दी और उन बच्चों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा, जो कि 20 से 30 किलोमीटर दूर होंगे। और अगर बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक अध्यापक भी शिफ्ट होंगे और उनका उद्देश्य ये है किसी न किसी तरह प्राध्यापकों को तंग किया जाए और बच्चों को भी तंग किया जाए। और हिसार जिले के अंदर 40 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं जो इस प्रकार से जो है मर्ज किए जा रहे हैं, और 40 स्कूलों के साथ साथ हमारे कम से कम 300 साथी प्रभावित होंगे। और इसको लेकर आज हम पूरे प्रदेश में हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और दूसरा हमारा उद्देश्य है ट्रांसफर ड्राइव को लेकर। ट्रांसफर ड्राइव जो है 2016 में शुरू हुआ, हमने उसका समर्थन किया, परंतु उसका सही ढंग से मूल्यांकन सरकार ने नहीं किया। ट्रांसफर ड्राइव शुरू होने के बाद और ख़त्म होने के बाद साल के दौरान जो है मैनुअल ट्रांसफ़र कर दिए गए। अगर कोई कमिश्नर का बेटा है, बेटी है या रिश्तेदार है, उसका कर दिया। मुख्यमंत्री का कोई रिलेटिव, उसका कर दिया। शिक्षा मंत्री का, उसका कर दिया। मैनुअल ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन हमारी जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है उस पॉलिसी को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा। और अब क्या कर रही है सरकार अब कर रही है कि 30 नवंबर 2018 की बच्चों के आधार स्ट्रेंथ के आधार पर आपको सरप्लस कर दिया जाएगा। हमारे इस प्रकार से हजारों जो प्राध्यापक सरप्लस होंगे और हाई स्कूल जितने भी हैं, हाई स्कूलों में 6 से लेकर 12-15 तक पोस्ट है हमारी, उसमें केवल 2 पोस्ट रखी हिंदी और इंग्लिश की, बाकी सभी लेक्चरर साथियों को वहाँ से उठा दिया गया है और उनको दूर के स्कूलों में भेज दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि मेवात से हमें मेवात भेजना पड़े, चाहे हमारे को यमुनानगर भेजना पड़े, हम इनको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो हमारी सरकार से विनती है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी जो है उसके अनुकूल जो है कार्रवाई की जाए। 31 दिसंबर तक स्ट्रेंथ ली जाए, 31 मार्च को स्टाफ की स्ट्रेंथ जो है स्टेटमेंट ली जाए और अप्रैल मई में अपना काम पूरा करके जून में ट्रांसफ़र कर दी जाए। और हमारे को 3 साल का टाइम दिया जाए, 3 साल के दौरान किसी भी प्राध्यापक को सरप्लस नहीं किया जाए, कोई कैप्ट वैकेंसी न रखी जाए और किसी बच्चे को न उठाया जाए। ये हमारी सरकार से विनती है। अगर सरकार ऐसा नहीं करेगी तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, हम आमरण अनशन भूख हड़ताल भी कर सकते हैं, उसकी पूरी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी। जी, आज आपने कोई ज्ञापन वगैरह? आज हमने DC को जो है मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, उसमें हमने हमारी सारी डिमांड लिखकर दी है। उससे पहले भी हम जो है डायरेक्टर से मिल लिए, कमिश्नर से मिल लिए, CM के OSD से मिल लिए, लेकिन हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि हमने एक कैप्ट वैकेंसी रखनी है और प्राध्यापकों को यहाँ से उठाना है और इनको दूर भेजना, और बच्चों की भी नहीं सुनी जा रही है। गाँव के अंदर जो है अशांति का माहौल है और प्राध्यापक और बच्चों को ये पता नहीं कल यहाँ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में न बच्चे पढ़ सकते हैं और न ही प्राध्यापक पढ़ा सकते हैं।
कितने दिन का अल्टीमेटम दिया गया सरकार को? हमने सरकार को एक सप्ताह का टाइम दिया है। एक सप्ताह में अगर सरकार हमारी बात को मान लेगी और सही ढंग से ट्रांसफर ड्राइव उसको पॉलिसी के अंदर लेकर उसको कर देगी और कैप्टन वैकेंसी छोड़ देगी, किसी भी प्राध्यापक को सरप्लस नहीं करेगी और विज्ञान विषय के साथ छेड़खानी नहीं करेगी, तो हम जो है एक सप्ताह के बाद अपना जो अगला अनशन शुरू करेंगे। उसके बाद हर स्कूल के अंदर सरकार ने 429 स्कूलों से जो साइंस उठाई है, वहाँ प्रयोगशाला दी है, हजारों लाखों रुपया खर्च किया है, अब वहाँ से बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? और ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं, शहरों के अंदर दिक्कत नहीं है, उन बच्चों को शिफ्ट करेंगे शहरों के अंदर। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर बेचारे अनपढ़ माँ बाप हैं, बड़ी मुश्किल से बच्चे साइंस लेते हैं, हमारे प्राध्यापक साथियों ने बड़ी मुश्किल से बच्चे एक एक दो दो इकट्ठे किए हैं, आज उनको वहाँ से भगा रहे हैं, कल हमारे पास बच्चे कहाँ से आएंगे? ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।